ऑलरेडी खाया आप लोग, कितना खाएंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, उम्मीद है आप सब ठीक हैं इंशाल्लाह। सो मॉर्निंग स्टार्टेड विद कस्टर्ड प्रिपरेशन बिकॉज उसको सेट करने हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में। और ब्रेकफास्ट हमारा आज बहुत सिंपल था, बाय द वे आप लोग पहले दूध डालते हो या कॉर्नफ्लेक्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इंशाल्लाह। सो आज दावत के लिए कुछ वैरायटीज है जैसे कोफ्ते, पुलाव, बिरयानी, बट मैं आज आपके लिए बस दो रेसिपी रिकॉर्ड कर पाई, सो आई विल शेयर यू विथ यू नाउ। सो लेट्स नेम दिस एज रोस्टेड एग, पता नहीं क्या रखेंगे, दिस विल बी सर्व्ड एज अ स्टार्टर वी कैन से। सो सबसे पहले बॉइल्ड पोटैटो को मैश करके उसमें हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। फिर चॉप्ड ग्रीन चिल्ली एंड अनियंस, एंड चिल्ली जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड फाइनली ऐड चॉप्ड खुतमीर। बॉइल्ड एग को ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट स्प्रिंकल करके रेडी रखो। सो अभी आपके हाथ में थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करो एंड जो पोटैटो का आप बनाए हैं मिक्सचर उसके ऊपर एक एग रख के एक बॉल बनाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट फुल एग नहीं ले रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाफ एग शुड लुक फाइन। और फिर आपका जो मिक्सचर बॉल जो बना है उसको एग में डिप करके ओट्स में डिप करना है। यहाँ पर जो मैं फर्स्ट ट्रायल करी थी दिस वाज ब्रेड क्रम्स, इसलिए पाउडर दिख रहा है, बट डू नॉट यूज़ ब्रेड क्रम्स, यूज़ ओट्स। और ओट्स को ग्राइंड मत करो, सारा जो ओट्स रहता है ना उस पर ही डिप करके डालो यहाँ पर, बिकॉज द डिफरेंस इज द कोटिंग। कोटिंग जो ओट्स का आ रहा है बहुत अच्छा दिख रहा था। सो नाउ दिस इज़ रेडी, दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रायल विद ब्रेड क्रम्स। तो आप देख सकते अंदर का टेस्ट तो सेम रहेगा बट कोटिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो दिस इज़ वेरी बेसिक, इट लुक्स वेरी बेसिक, बट ये देखो ओट्स वाला बहुत हेल्दी वर्जन भी है प्लस दिखने में अच्छा। तो अभी बस मैं बीच में सलाड सब प्रिपेयर करके रख रही थी, आपको बस बता रही थी, सो दैट आई मीन मेरा कुछ प्लान और था करने का बट टाइम कम था, सो बाद में पता चला इट लुक्स लाइक एन इंडियन फ्लैग। मूविंग ऑन टू द सेकेंड रेसिपी, तो एक प्लेट में जैसे आपको गरम मसाला दिख रहा है यही क्वांटिटी काफ़ी है फॉर 1.5 किलो ऑफ बीफ या गोश्त। उसमें आप पानी एंड सॉल्ट डाल के इसको यू नो प्रेशर कुकर में रखेंगे फॉर डिपेंड्स ऑन हाउ मच योर बीफ या मटन यू नो गल जाएगा। और टिश्यू को ऐसे कुकर में रखने से बहुत फ़ायदा है, दैट इज़ गंदा नहीं होता, आसपास गिरता नहीं है कुछ भी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले के ब्लॉग्स देख के आप लोग बहुत लोग ये ट्राई करें एंड आई गॉट रियली गुड रिव्यूज़, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग ऐसा करते हैं देखने के बाद। सो मूविंग ऑन, कुकर का जब तक हो जाएगा काम हम लोग प्लेट में ये दो प्लेट्स रेडी रखेंगे। ये सब आइटम्स अभी ग्राइंड करना है, सो वन हैंडफुल ऑफ पुदीना, वन हैंडफुल ऑफ खुतमीर एंड ग्रीन चिलीज, फिर गरम मसालाज अगेन विद धनिया एंड ज़ीरा। सो ये सब हम लोग ग्राइंड करेंगे। इस पर हम लोग अनियंस डालेंगे, यहाँ पर कम दिख रहा है बट वी नीड 2 to 3 अनियंस टोटली विथ वाटर, ग्राइंड इट अगेन। सो दिस इज़ बेसिकली हरा मसाला का बीफ, मम्मा से सीखी मैं ये रेसिपी। सो विल हीट ऑयल, ऐड अनियंस, 2 to 3 अनियंस शुड बी फाइन, ऐड सॉल्ट और टोमेटो। इसमें फिर आप डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 to 2 स्पूंस डिपेंडिंग, एंड देन विल ऐड ऑल दी मसालाज एंड हल्दी। इसमें आप धनिया पाउडर नहीं डालेंगे तो भी इट फाइन, अगर आप मिक्सर में ज़्यादा डाल दिए या फिर थोड़ा सा डाल सकते हैं। ज़ीरा शुड ऑल्सो बी लिटिल, एंड देन रेड चिली पाउडर, गिव इट अ गुड मिक्स। उसके बाद आप डालेंगे दैट मिक्सर वाला पेस्ट, इसको हल्का सा बॉईल करना है अभी, और पानी में डालना है, ऐड इट फ्रॉम द मिक्सर सो दैट यू डू नॉट वेस्ट द पेस्ट। फिर थोड़ा सा बॉईल आने के बाद पुट योर बीफ और गोश्त, और ये जो स्टॉक है प्लीज़ डू नॉट थ्रो, वही सबसे अच्छा हेल्दी भी है प्लस टेस्ट भी लाता है। सो पहले हम लोग गोश्त डालेंगे एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉक वाला पानी डालेंगे एंड देन
बस पकने छोड़ दो एंड दैट्स ऑल. मैं इसका फोटो नहीं निकाल पाई एंड आई रियलाइज्ड इट नाउ. एंड देन आई वाज बिजी विद अदर स्टफ. माय कुक आंटी हेल्प मी टुडे अल्हम्दुलिल्लाह. सो माय डियर चाची, दुल्हन और दुल्हन की मॉम, आंटी इज रियली स्वीट माशाल्लाह. बटर मिल्क या लस्सी आप अगर आप लोग गेस्ट्स को सर्व करेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. यू कैन फील द डिफरेंस. तो जकी मुझे पकाने आता है क्या? नहीं, ये दीदी पकाए. ना, ना दीदी कुछ भी है. ये दीदी पकाए. माशाल्लाह ये पूछना ही नहीं था. डिजर्ट के लिए था दो वैरायटीज, फिलहाल के लिए इतना ही बन सका था. अब टेस्ट लगा और फिर बस सब लोग बातचीत में बिजी हो गए थे. बट जकी वॉज गायब एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. जकी से कुछ सरप्राइज. ओहो, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर. क्या लाने गए अभी इसके लिए? मैं सो आई फील उन लोग को अच्छा लगा एंड दैट्स व्हाई दिस वाज अ जेस्चर व्हिच मेड माय डे अल्हम्दुलिल्लाह. माय फेवरेट. अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट स्टे फॉर रियली लॉन्ग. प्लस चाय बनाई थी बट चाय पीने भी टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट. एंड यहाँ देखो लोग क्या करना पड़ा. ये देखो जाने का इतना गड़बड़ की चाय को भी पेपर कप में ले रहे. दीदी नहीं जोड़ेंगे. दीदी का काम वो मैं दे रही थी. और साथ में ये भी पूरा गिरा के जाना. टोस्ट भी गिर गया तो उधर से. एक मिनट रोने दो थोड़ा. दीदी ओके. जब नायला रो रही थी और मुझे हंसी आ रही थी उस टाइम पे मुझे एक और वीडियो याद आया जो मेरी ननंद रिकॉर्ड करी थी. मेहमान जाने के बाद वेट करते ना, जल्दी जाके खाएंगे. वैसे हो रही है आपको. ऑलरेडी खाया आप लोग, कितना खाएंगे? That's all for today. Please like this video, subscribe to my channel and see you in my next one, inshallah.